बच्चों मैं आपको पार्ट दो आपकी हिंदी की बुक का पार्ट दो बता रही हूँ आज, बुद्धि का फल। आपने अकबर और बीरबल के किस्से बहुत सुने होंगे, उसी में से एक किस्सा ये आगे है। पहले मैं आपको पाठ पढ़ के बता रही हूँ, और पाठ इसलिए बता रही हूँ पढ़ के कि कभी आपकी बुक इधर उधर गुम जाए, खो जाए, तो आप पाठ अच्छे से अगर सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप प्रश्नों के उत्तर भी खुद दे सकते हैं। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलमपना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। अब इसमें ये बताया है, देखो अपने को पता चल रहा है कि कहाँ का राजा था, लंका का राजा, और उसने वहाँ पर वहाँ से दूत भेजा, किसके दरबार में भेजा, अकबर के दरबार में। और बात क्या बोली उसने, ये बोला कि हमारे महाराज ने एक घड़ा भर कर के बुद्धि मांगी है। अगर इस पैराग्राफ में से भी कुछ क्वेश्चन बनकर आते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसके आंसर भी दें। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग है, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। जो अकबर थे वो सोच में पड़ गए, भाई थोड़ी देर के लिए अपन भी सोचने लग जाएंगे ना कि बुद्धि कैसे आएगी घड़ा भर के। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के बस का भी ना हो, मगर फिर भी उसे बताने में बुराई ही क्या है। जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। देखा, जब बीरबल को अकबर ने बुलाया तो अकबर को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये भी समस्या का समाधान कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो मुस्कुरा दिए और आगे क्या हुआ अपन पढ़ते हैं। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी क्या, बीरबल के मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूल पर उल्टा रख दें। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते हुए रहने का हुक्म दिया, यानी आदेश दिया, और वहाँ खुद चले गए वहाँ से। अब आगे क्या होता है देखते हैं।
बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलमपना इस कार्य को हो चुके समझो, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, इसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। 15 बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा तो कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। देखो बच्चों, ये जो हम जब पाठ पढ़ते हैं तो पाठ को ध्यान से पढ़ा करो। कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि किसने किससे कहा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जब इसमें 2-3 लोगों का संवाद होता है, कहानी इस तरह की होती है, तो इसमें से बनते हैं। जैसे ही अब ये पढ़ा आपने, ये तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई, ये बीरबल ने नौकर से कहा, तो किसने किससे कहा भी आपके जो प्रश्न आएंगे कभी, तो आप अपने मन से भी पाठ पढ़ा है तो लिख सकते हो। अब आगे क्या हुआ, इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। कौन हाजिर हुआ? सेवक। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? बीरबल बोलता है, हाँ हाँ जरूर। बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े और पास और तैयार रखें, हमारे पास तैयार रखे हैं। परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी? बीरबल का कोई जवाब नहीं, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को न दबा सके, वे फौरन बोल उठे, बीरबल बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं, अभी मंगाए देता हूँ आलमपना, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई, वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, भाई मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है, लगता है इसे पाकर लंका के राजा की बुद्धिमान होने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी। इस तरीके से हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसके आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है दूत। दूत का क्या आएगा? समाचार पहुंचाने वाला। दूसरा है आपका हुक्म यानी आदेश। तीसरा है बंदोबस्त यानी व्यवस्था। चौथा है भेंट कर देना यानी प्रदान कर देना। फिर आगे है चकरा जाना, आश्चर्य में
पड़ जाना। फिर आगे है उत्सुकता, उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा, हाजिर माने उपस्थित होना, तनिक मतलब होता है थोड़ा। अब आगे आपके प्रश्न उत्तर हैं। पहला आपका है लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लेने के लिए पहुंचा था। अभी मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, जल्दी से बताओ क्या लेने पहुंचा था। लंका के राजा का दूत अकबर के पास एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा था। दूसरा प्रश्न है आपका, अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया। उत्तर है आपका, अकबर बादशाह ने बीरबल को एक घड़ा बुद्धि भरकर लाने की व्यवस्था करने के लिए बुलाया था। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया। आपकी बुक में है, बीरबल ने घड़ा लिया और उसे कद्दू के फूल के ऊपर उल्टा लटका दिया, लटका नहीं दिया मतलब बल्कि रख दिया एक तरीके से, और फूल अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद वह कद्दू घड़े में ही बड़ा आकार का हो गया और घड़ा भर गया। इस प्रकार बीरबल ने बुद्धि के घड़े को तैयार किया। फिर आपका आगे प्रश्न है, बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई, बताओ जल्दी से। हाँ, बादशाह अकबर को उस घड़े में रखे बुद्धि के फल को देखने की उत्सुकता हुई। यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते, सोचिए। अब देखो, इसका उत्तर तो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यदि मैं बीरबल के स्थान पर होता तो इस अटपटी समस्या के निदान के लिए बीरबल के समान ही कोई अटपटी युक्ति यानी योजना सोचता, जिसके लिए तर्क के आधार पर ही सही ये अवश्य सिद्ध किया जा सकता था कि हमारे द्वारा प्रस्तुत घड़ा बुद्धि का ही घड़ा है। अब आपके हैं खाली स्थान, तो खाली स्थान जो आपके हैं उसमें वहीं पर दो दो शब्द दिए हुए हैं। जैसे लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई, यहाँ पर क्या आएगा, ताली आएगा। फिर आपका दूसरा है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई हानि, ये दो दिए ना लाभ और हानि, हानि ना पहुँचे। फिर तीसरा है आपका, जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा कद्दू के फल से भरा हुआ था। फिर इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी, ये आएगा। अब आपका है यहाँ पर आगे भाषा अध्ययन, भाषा अध्ययन में आपके पहले हैं मुहावरे, पीठ ठोकना, मती मारी जाना, मुंह मांगना। मैं आपको इनको वाक्यों में प्रयोग करके बता देती हूँ। हमारा एक वीडियो इसमें हिंदी का डला हुआ है सिर्फ मुहावरों के बारे में, आपको अगर ज़्यादा मुहावरे देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं। अभी हम एक एक करके इसमें देखते हैं। पहला है पीठ ठोकना, शाबाशी देना, इसका अर्थ भी लिखना रहता है ना अपने को मुहावरों का, तो पहले अर्थ लिखेंगे, शाबाशी देना। प्रयोग क्या होगा, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर शिक्षक ने मेरी पीठ ठोकी। दूसरा है मती मारी जाना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रयोग, कठिन समय में मती मारी जाती है। प्रश्न नंबर 3, मुँह मांगा, यानी कि जो मन चाहा है वो है। प्रयोग, राजा का कार्य पूर्ण करने पर मंत्री को मुँह मांगा इनाम मिला।
फिर चौथा है चकरा जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। प्रयोग, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर अंग्रेज चकरा गए। आंखें बिछाना यानी इंतज़ार करना, राम के अयोध्या लौटने पर उसकी माँ आंखें बिछाए बैठी थी। फिर 9-2-11 होना यानी भाग जाना। प्रयोग वाक्यों में पिताजी के घर से जाते ही मोहन 9-2-11 हो गया। ठीक है, ये तो मैंने वाक्यों में प्रयोग बताए हैं, आपका अर्थ तो यही रहेगा, लेकिन वाक्यों में प्रयोग आप रटना मत, आप अपने हिसाब से भी वाक्यों में प्रयोग लिखना, जिससे आपकी हिंदी सुधरेगी। और कहीं कोई ऐसा आ गया मुहावरा कि जिसका अर्थ आपको पता है, तो आप अपने शब्दों में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाइए। उत्सुकता, उत्सुकता मतलब बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ये आएगा उत्सुकता। आप है ना, ये शब्द हिंदी की बुक में भी ढूंढ सकते हैं। इसमें ये सेकंड नंबर वाला है बुद्धिमान, इसमें भी सेकंड नंबर वाला है बादशाह, इसमें है प्रभावशाली पहले नंबर का, और आशीर्वाद में आखिरी वाला है। ठीक है, अब आगे है आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन सही जोड़ी वाला, कि सही जोड़ी मिलाना है जिसका अधिक प्रभाव हो, तो वो क्या है? प्रभावशाली। जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान, सेवा करने वाला सेवक, पूजा करने वाला पुजारी, और जो बहुत अधिक बोलता हो पाचाल। देखो ये आपके है ना, अनेक वाक्य के लिए एक वाक्य आते हैं ना, उस तरीके की जोड़ी बताई इन्होंने। अब ये आपका एक आगे क्वेश्चन है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। देखो ये शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए, ये इस टाइप का प्रश्न है कि इसमें जो शब्द दिए हैं, ये जो राजा है, एक है, दूत, ये क्या है? शब्द हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, तो ये आगे पीछे दिए हुए हैं। जैसे राजा का एक दूत दरबार में लंका के में पहुंचा अकबर के, तो इसको क्या है, हमको सीधे सीधे लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? अकबर के, क्या आएगा? अकबर के दरबार में लंका का दूत पहुंचा। ठीक है, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ये देखो इस तरीके से आपको बनाना है, अकबर के दरबार में लंका के राजा का दूत पहुंचा। अब दूसरा है आपका बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत की बात, है ना। अब दूसरे में क्या आएगा? पहले आएगा दूत, दूत की बात, ये आएगा एक नंबर पर। फिर दूत की बात सुनकर अकबर चकरा गए, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, मैं आपको ये वाला और लिख के बता देती हूँ, फिर आप आगे का बना लेना। दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। ठीक है, अब आपका तीसरा है व्यवस्था की नौकर ने मिट्टी के घड़े की। आप इसकी जो लाइनें हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो आप अंदर बुक भी पढ़ सकते हो, उसमें भी आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आएगा नौकर, नौकर ने, यहाँ से शुरू करना है, नौकर ने मिट्टी के घड़े की व्यवस्था की। फिर आपका आगे है तुमने अपनी निभाई कुशलतापूर्वक बड़ी जिम्मेदारी, इसमें आएगा तुमने अपनी जिम्मेदारी, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है, ये बाद में आएगा। ठीक है,
लिख लोगे ना? सबसे पहले क्या आएगा? तुमने, अपनी। फिर कहाँ पहुंच जाओगे? जिम्मेदारी पे। जिम्मेदारी, बड़ी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई। अब ये आगे दिया हुआ है, यह भी जानिए। विदेशी या आगत शब्द, विदेशी लोगों के संपर्क में आने से विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं वे विदेशी आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के, फारसी के, अरबी के, है ना, तुर्की, फ्रांसीसी, ये क्या है? पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे। सही उत्तर आपका दिया हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये आपको ऐसे ही याद करना है। फिर आगे है आपका, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप छांट कर लिखिए। तो इसमें शब्द दिए हैं और तत्सम दिए हैं, तो हम इसके दो कॉलम बना लेते हैं। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, एक तो है ये शब्द और दूसरा मैं लिख रही हूँ तत्सम रूप। ठीक है, इसमें से घड़ा क्या है? शब्द है घड़ा। पहले मैं ये छांट रही हूँ, घड़े के बाद में आएगा काम, फिर आपका आएगा मुंह, फिर आपका है सूरज, फिर आग, उसके बाद में दिन, फिर आपका है सांप और हाथ। ये क्या हैं? आपके शब्द हैं। अब इनके तत्सम रूप क्या है? तत्सम घड़ा का हो जाएगा घट, और काम का हो जाएगा कर्म, और मुंह का हो जाएगा मुख, और सूरज का हो जाएगा सूर्य, और अग्नि, आग का हो जाएगा अग्नि, और दिवस हो जाएगा फिर इसका दिन का दिवस। दिवस के बाद सांप का सर्प, सांप का हो जाएगा सर्प, और हाथ का हो जाएगा हस्त। ये आपका ये वाला प्रश्न भी पूरा हो गया है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। पाठ में आए इन शब्दों को पढ़िए और चौखाने में दिए गए शब्दों में से किन्हीं इनके हिंदी शब्द खोजकर लिखिए। ठीक, इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जो कि कई भाषाओं के हैं, तो इसमें से सिर्फ हमको हिंदी के शब्द लिखना है। ये जो दिए, उपस्थित, प्रबंध, बंदोबस्त, खास, इसमें फारसी, उर्दू सभी दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें से हिंदी के कौन कौन से हैं वो मैं आपको टिक कर देती हूँ। जैसे प्रबंध है और बंदोबस्त है, प्रबंध और आपका बंदोबस्त, दूसरा है आपका खास। देखो ये बंदोबस्त है, बंदोबस्त का ये मान लो एक नंबर है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर डाले दे रही हूँ, है ना। ये हो गया बंदोबस्त का प्रबंध। फिर दूसरा आपका खास है, खास का क्या हो गया? अपन इसमें ढूंढते हैं विशेष, ये नंबर दो, तो ये विशेष हो गया नंबर दो। फिर आपका हुक्म, तीसरा आपका ये हुक्म है, हुक्म का क्या होगा? अपना आदेश, ये नंबर तीन है। इसी तरीके से इसमें से हमको ढूंढना है बादशाह का क्या होगा। देखो इसमें से महाराज, ये आपका चौथे नंबर का हो गया, ये महाराज हो जाएगा।
मौजूद का मतलब होता है वहां उपस्थित होना। यानी यहाँ पे मौजूद होना ये आपका 5 नंबर है, तो ये विद्वान होना वहाँ पर होना। फिर आपका है हाजिर, हाजिर का आपका क्या होगा उपस्थित होना, कहाँ दिया है उपस्थित होना, ये रहा ये 6, ये 6 नंबर डाल दिया। फिर है मजाक, मजाक का आपका होगा उपहास, ये रहा आपका, ये अपना आ गया 7 नंबर, ये हो गया 7 नंबर। ये मजाक आपका उपहास हो गया। और अब अपना भरोसा 8 नंबर का, भरोसा आपका यहाँ है विश्वास। और फिर इनाम, इनाम का हो जाएगा पुरस्कार। और पुरस्कार के बाद में आपका आ जाएगा कीमती यानी मूल्यवान, कहाँ पर है कीमती 10 नंबर, 10 नंबर का आपका हो जाएगा मूल्यवान ये। फिर अक्ल, अक्ल यानी बुद्धि, तो ये आपका 11 नंबर हो गया। फिर नुकसान, नुकसान का होता है हानि, ये दिया हुआ है। फिर 13 नंबर आपका खुद यानी स्वयं, ये 13 नंबर हो गया। फिर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का आपका होगा उत्तरदायित्व, तो ये आपका हो गया 14 नंबर। फिर हुजूर, हुजूर का हो गया श्रीमान, ये 15 नंबर। फिर 16 है आपका जवाब, जवाब का आपका होगा उत्तर, ये आपका हो गया 16 नंबर। फिर पेश यानी प्रस्तुत करना, ये 17 नंबर हो गया। और शानदार, शानदार का क्या होगा आपका भव्य, ये आपका 18 नंबर हो गया। अब आपकी ये एक्सरसाइज बची है, नीचे दी गई पहेली में से दो दो पर्यायवाची शब्द बनाइए। तो एक तो आपका नव दिया हुआ है, दूसरा हो जाएगा जलज, ये आपका दूसरा जलज हो गया। तीसरा हो जाएगा आपका नीरज, तो ये सब तिरछा चलेगा, नीरज हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका पहला है आकाश, आकाश का क्या हो गया नभ हो गया, इसमें भी अपन नंबर डाल सकते हैं, 1 नंबर, 1 नंबर हो गया। कमल का जलज हो जाएगा, ये 2 नंबर हो गया। अब घर का नीरज हो गया, पानी का, ये पानी का 2, 3 और ये 4, ये 4 नंबर का हो गया। दिन का क्या होगा दिवस, ये दिवस हो गया। और फिर है पुष्प, फूल का हो जाएगा पुष्प। सदन, जो घर का है वो सदन हो जाएगा, ये 3 नंबर। फूल का ये आपका 5 और ये 6, ये 6 नंबर। और दिन का ये 5 नंबर, ये अपना हो गया। अब ये योग्यता विस्तार दिया हुआ है आपका कि क्या है इसमें, इसी प्रकार की बुद्धिमत्ता से संबंधित कोई अन्य कहानियाँ अपनी कक्षा में सुनाइए। तो हमने हमारे चैनल पर बहुत सारी अकबर बीरबल की कहानियाँ डाली हुई हैं, तो आप उनमें से कोई सी भी पढ़ करके सुना सकते हैं। दूसरा है बीरबल की चतुराई से संबंधित अन्य प्रसंग बाल सभा में सुनाइए, तो ये भी आप सुना सकते हैं कहानी सुन करके। कक्षा में बीरबल के चुटकुले अपनी शिक्षक से सुनिए और स्वयं भी सुनाइए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पाठ ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको अगला पाठ कुछ दिन बाद डालती हूँ, जब तक आप ये पढ़ना, और जो भी आपके मन में प्रश्न हो जो ना समझ में आए वो कमेंट्स में बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना कि कोई और चीज़ डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। आपके जैसे ही 4 पाठ हो जाएंगे मैं आपके लिए रिवीजन टेस्ट एक डाल दूँगी क्वेश्चन आंसर का, और बीच में से भी कुछ क्वेश्चन बना के बता दूँगी।